हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। एक अध्यापक होने के नाते मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारी शुभकामनाएँ भी कि आप आने वाले समय में बहुत ही अच्छा करें, अपनी लाइफ में आप हमेशा स्वस्थ रहें और के साथ में हमेशा हंसते मुस्कुराते भी रहें और जो भी आपकी जायज इच्छा है, हर जायज इच्छा आपकी पूरी हो जाए, नाजायज नहीं, हर जायज इच्छा आपकी पूरी हो जाए। तो विश अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को भी, क्योंकि आप भी मेरे टीचर हैं, आप हैं तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के लेक्चर को। और इस अध्यापक दिवस के अवसर पर अगर आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पर कोई भी कोर्स लेते हैं तो आप लोगों को 25% का जो है ना ऑफ मिलने वाला है। एक दिन के लिए रात्रि 12 बजे तक आपको ये कोर्स जो है 25% ऑफ पे मिलेगा। तो आप चाहते हैं मुझसे कंप्यूटर कोर्स पढ़ना चाहते हैं या कोई पीडीएफ है या कुछ भी आप कोई कोर्स लेना चाहेंगे इस एप्लीकेशन, तो 25% का ऑफ रहेगा। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, आज दोपहर को 12 बजे जो है ना वो साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आज दोपहर को 12 बजे आपको साइंस की क्लास मिलेगी, आप उस क्लास में ज़रूर आइएगा। टीचर्स डे पे मेरी तरफ से आपको ये तोहफा होने वाला है। कल आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा कि भारत का कौन सा राज्य ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे आगे है। तो भारत का वो राज्य जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे आगे है वो हमारा ही राज्य है, यानी कि डी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, हरियाणा में स्ट्रॉबेरी का बाग लगाने पे कितने रुपए प्रति एकड़ सरकार अनुदान दे रही है। तो हरियाणा के अंदर अगर हाँ स्ट्रॉबेरी का बाग लगाया जाता है तो स्ट्रॉबेरी के बाग लगाने पे अनुदान मिल रहा है और कितने रुपए, 20,000 रुपये प्रति एकड़। यानी कि सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप देखिएगा यहाँ पर बहुत सारे फल हैं जिसमें से किन्नू की बात करो तो किन्नू पे प्रति एकड़ की लागत आती है 16,000 रुपये और जिसमें सरकार अनुदान दे देगी 8,000 रुपए। बात करते हैं नींबू की, नींबू की जो फसल है उस पर लागत आती है 21,992 रुपए और सरकार अनुदान देने वाली 10,996 रुपए प्रति एकड़। आम की बात करें तो आम जो है इस पर 10,200 रुपए की लागत आती है प्रति एकड़ जिसमें से 5,100 रुपए की जो है ना वो अनुदान राशि मिलने वाली है गवर्नमेंट की तरफ से। अमरूद की बात करें तो अमरूद के प्रति एकड़ लागत है 15,336 रुपए और सरकार अनुदान देगी इस पर 7,668 रुपए। लीची की बात करें तो लीची की लागत है 17,560 रुपए लेकिन अनुदान जो मिल रहा है सरकार की तरफ से वो है 8,780 रुपए। अनार की बात करते तो अनार की जो फसल है उस पर लागत है 21,200 रुपए और सरकार अनुदान देगी 10,600। बात करें हैं अनार जो टिश्यू कल्चर है, दूसरी वैरायटीज़ की बात करते हुए टिश्यू कल्चर कैटेगरी में है, उनके लिए लागत है 19,200 और इसके सरकार जो है ना देने वाली है 14,400 रुपये अनुदान के रूप में। खजूर की बात करते हैं तो खजूर के लिए 1,62,240 रुपये प्रति एकड़ लागत आती है लेकिन अनुदान सीमा है कितनी, 1,80,680 रुपये। बेर की बात करें तो इसकी लागत है 11,336 रुपये और अनुदान है 5,668 और स्ट्रॉबेरी की बात करें तो 50,000 रुपये प्रति एकड़ लागत है, अनुदान राशि है यहाँ पे 20,000। और ये याद रखना सारा जो अनुदान है वो कब मिलेगा, जब मेरी फसल मेरा ब्यूरा पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है ना। प्याज की खेती अगर कोई करता है तो उसको 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान मिलेगा। अगर कोई जो है ना प्याज की खेती के अलावा टमाटर की खेती करता है तो उनको भी जो है ना 8,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान मिलेगा। ये बात भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में। चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, प्राउड फील करवाने वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है। मनीष नरवाल ने टोक्यो पैरालंपिक में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही रहेगा। मनीष नरवाल, ठीक है ना, मनीष नरवाल जो है ना बेसिकली 19 साल के ही हैं। अच्छा, ये इनका जो जन्म स्थान है वो सोनीपत का है, इनका जन्म जो हुआ था सोनीपत के कथुरा गाँव में हुआ था लेकिन ये मूल रूप से सोनीपत के, लेकिन इनकी फैमिली जो है ना वो पिछले 27 सालों से फरीदाबाद के अंदर रह रही है फिलहाल। तो मतलब आपको ये कई जगह पे ये लिखा मिल सकता है कि जो ये मनीष नरवाल है ये फरीदाबाद के हैं।
तो मूल रूप जो इनका जन्म हुआ था वो तो सोनीपत के कथुरा गांव में, मतलब इनका पैतृक गांव तो सोनीपत जिले का कथुरा है, लेकिन वर्तमान में रह ही रहे हैं कहाँ पे, फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 70 के अंदर जो है ना, रॉयल हेरिटेज सोसाइटी में जो है ना ये रह रहे हैं वर्तमान के अंदर। 19 साल के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। इन्होंने शूटिंग के अंदर जो है ना ये जीता है, और 50 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो है ना रिकॉर्ड 218.7 का रिकॉर्ड बना के गोल्ड मेडल जीता है। कई सारे गेम्स में इन्होंने इन्वॉल्वमेंट देखी है। देखिएगा 2018 का जो एशियाई गेम हुए थे, एशिया पैरा गेम्स हुए थे, उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल लिया था। 2021 में संयुक्त अरब अमीरात में जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप हुई थी उसके अंदर भी इन्होंने गोल्ड जीता था। उस टाइम पर भी टोक्यो 2020 जो पैरालंपिक है इसके अंदर भी इन्होंने गोल्ड जीत लिया। 2020 में जो है इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था, उस टाइम का नाम अर्जुन अवार्ड, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगेन तीसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिंहराज ने कौन सा पदक जीता है। सिंहराज ने पदक जीता है, इन्होंने एक्चुअली ब्रॉन्ज और सिल्वर दोनों ही जीते हैं, तो मैं बोथ ऑप्शन करता तो ज़्यादा ठीक रहता। ये दोनों ही मेडल इन्होंने जीते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर, ये शूटिंग के अंदर ही जीते हैं इन्होंने, ठीक है। और ये मूल रूप से फरीदाबाद के तिंगाव गांव के हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वर्तमान में तो मनीष नरवाल भी फरीदाबाद में रह रहे हैं, तो इस हिसाब से दोनों ही फरीदाबाद के हो गए, ठीक है। तो दोनों ही फरीदाबाद के हैं और इनका परिवार बल्लभगढ़ का एक गांव ऊंचा है, वहां पे वर्तमान में रह रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो लोग हैं आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये पैरालंपिक से मेडल जीते हुए हैं, लाइक सुमित आंतिल। अभी रिसेंटली जेवलिन थ्रो उन्होंने किया था, इवन उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया था, तो इस करके इनको 6 करोड़ मिलेंगे। के साथ में मनीष नरवाल है, इन्होंने शूटिंग के अंदर जो है इनको भी 6 करोड़ मिलेंगे क्योंकि इनको भी रिसेंटली गोल्ड मेडल हासिल हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था योगेश कथुनिया, जिनको सिल्वर मेडल मिला है, इनको 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हरियाणा सरकार की तरफ से। डिस्कस थ्रो में जीते हैं ये। सिंहराज जो है ना, इनको रजत और कांस्य दोनों पदक मिले हैं, तो 4 और 2.5 करोड़ कांस्य के लिए, तो इनको ये टोटल इतने रुपए प्राइज मनी के साथ में। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो है ही है, जैसे प्लाट मिल रहे हैं, सरकारी नौकरी मिल रही है, बाकी चीज़ें तो है ही इन्वॉल्व। हरविंदर सिंह की बात करते हो तो हरविंदर सिंह जो है ना, इनको मैंने कल ही पढ़ाया था, जिन्होंने रिसेंटली तीरंदाजी के अंदर है कांस्य पदक जीता, और कांस्य पदक जीतने के चलते इनको 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा के कैथल के रहने वाले हैं हरविंदर, मैंने आपको रिसेंट ही पढ़ाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम आएगा आपको पेपर में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक कौन है, जिनकी अध्यक्षता में रिसेंटली स्टेट लाइब्रेरी कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। इनका नाम है श्री चंद्रशेखर खरे, यानी कि ए ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही रहेगा। हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक है जिनका नाम श्री चंद्रशेखर खरे है, इनकी अध्यक्षता में स्टेट लाइब्रेरी कमेटी की बैठक है वो संपन्न हुई। के अलावा इस बैठक में हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नियमों में संशोधन किया गया और एक अलग से कमेटी का गठन किया गया। इस दौरान जो है ना स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अंबाला कैंट को 2.15 करोड़ रुपए, जिला पुस्तकालय नारनौल महेंद्रगढ़ को जो है ना वो 84 लाख रुपए की ग्रांट नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के तहत जो है ना दी गई है। एक बात मेरी याद रखिएगा, हरियाणा की पहली ई लाइब्रेरी कहाँ खुली है, वो खुली है काछवा गांव के अंदर, ठीक है ना, काछवा गांव के अंदर। और ये काछवा गांव पड़ता कहाँ पे है, करनाल के अंदर है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है ना, करनाल के अंदर है हरियाणा की पहली ई लाइब्रेरी, ये पिछले साल खुली थी, साल 2020 में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, जो हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं, ठीक है, नीरज चोपड़ा के नाम से सेना खेल संस्थान, ठीक है, इसका नाम बदल दिया। ये कौन सी सेना का संस्थान है, कौन सी जगह का है, इसका नाम आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का नाम बदल के नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया। ये है पुणे का संस्थान, यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये स्टेडियम, स्टेडियम का नाम वर्तमान में क्या हो गया, नीरज चोपड़ा स्टेडियम, आर्मी पूरा नाम है नीरज चोपड़ा स्टेडियम या आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे कैंट के अंदर है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। तो पहले ये जो है ना आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट था, और इसी पुणे के अंदर जो है ना आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम जो है ना, इसका नाम बदल के नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है, याद रखना आप लोग। अच्छा, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट देश के एक प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, जिसमें एथलीटों ने 34 ओलंपियन और 22 राष्ट्रमंडल खेल पदक, 21 एशियाई खेल, 13 अर्जुन पुरस्कार के कई सारे पुरस्कार जो है हासिल किए हुए हैं।
नीरज चोपड़ा के बारे में तो आपने बहुत बार पढ़ लिया, भाला फेंक में इन्होंने रिसेंटली जो है ना वो जीता ही था गोल्ड, के अलावा 2018 में आयोजित राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में भी गोल्ड जीता था, 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित जो है ना किया जा चुका है। ठीक है, एक बात और इंपॉर्टेंट है, पानीपत में इन्हीं के ही नाम पर यहाँ का जो मेन लेटर बॉक्स है उसका कलर रेड से सुनहरा गोल्डन कर दिया गया है इनको सम्मानित करने के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, बनवारी लाल पुरोहित इसका सही आंसर होगा। एक्चुअली क्या है कि पंजाब के जो भी राज्यपाल होते हैं वो ऑटोमेटिक चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं नियम के अनुसार, और पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर है ये रिटायर्ड हो चुके हैं यानी कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब उस उनकी जगह पे राष्ट्रपति जी ने तमिलनाडु के राज्यपाल जो जिनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित इनको एक्स्ट्रा या अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है अभी रिसेंटली जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ठीक है ना जो इनको जो कर्तव्य मिले हुए हैं तमिलनाडु के उनके अलावा अतिरिक्त कार्यभार में पंजाब और चंडीगढ़ का जो है ना पदभार या पंजाब और चंडीगढ़ का कार्यभार जो है सौंपा गया है एडिशनली। एक बात याद रखना, बनवारी लाल पुरोहित की पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में जो है ना विधानसभा चुनाव से पहले होती है जो 2022 में होने वाले नियुक्ति 2022 के चुनाव तक, तब तक जाके शायद कोई नया हमें पद मिले। पंजाब विधानसभा 1952 में पहले आम चुनावों पे संविधान के तहत अस्तित्व में आई थी, वर्तमान में पंजाब विधानसभा में 117 सदस्य हैं वर्तमान में देखा जाए तो। अच्छा, चंडीगढ़ एक शहर या केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में जिसकी विधानसभा नहीं है, पंजाब राज्यपाल समवर्ती रूप से चंडीगढ़ के प्रशासक ही होते हैं ये तो पता ही है, और पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ है, इससे को भी आप वर्तमान में याद रखिएगा। इसको ले कार्बुजियर ने जो है ना वो कंप्लीट डिज़ाइन किया था 2016 में, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जो है ना इसे घोषित किया गया था, और पैलेस ऑफ असेंबली चंडीगढ़ विधानसभा भवन है कॉम्प्लेक्स ड्यू कैपिटल, तो इस बात को भी आप लोग यहां से याद कर सकते हैं। चंडीगढ़ माता चंडी के नाम पे ही बसा हुआ शहर है, ये पॉइंट भी आपके लिए यूनिक है या याद करने के लिए है। हरियाणा सरकार ने किस मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से भरने का निर्णय किया है? तो इनका बीमा प्रीमियम जो है ना वो भरने का निर्णय, एक्चुअली इसकी घोषणा पहले हो गई थी अब जो है ना भर दिया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? इसका सही आंसर है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि सी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। जो गरीब महिलाएं हैं जो कि अपना जो है ना बीमा की किस्त नहीं भर पा रही है उनको हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, ये मिशन 2011 से कंटिन्यू है हरियाणा के अंदर, और जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं इनको ऊपर उठाने के लिए इनके बीमे की किस्तें देने के लिए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है अभी रिसेंटली यही। तो इतने ही थे आज के हमारे क्वेश्चन, और आप लोगों के लिए एक सवाल है कि हरियाणा सरकार का फसल विविधीकरण में किस फल के लिए अनुदान दिया जा रहा है? तो या फल विविधीकरण के लिए तो चीकू को, आम को, केले को, या एक और दो, दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बताइए इसके बारे में विस्तार से। हंसते मुस्कुराते आप लोग जरूर रहिएगा प्यारे बच्चों, कोई डाउट आता है आप कमेंट में लिखिएगा, बताऊंगा मैं आपको। और स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे कोर्स को अवेल कर सकते हो आप लोग, आज के लिए 25% का ऑफ है। अगेन विश यू वेरी हैप्पी टीचर्स डे, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, मेरी तरफ से आपको शुभ आशीर्वाद है, आप जल्द ही कामयाब हों अपने जीवन में। थैंक यू, धन्यवाद।